की मान्यवर आणि उपस्थित असलेले माझे शेतकरी बांधव आणि शेतीवर प्रेम करणारे मी मय कोल्हापूर परिते डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर सूर्याजी गणपत पाटील आहे. परिते मी रहता हूँ तालुका करवी जिला कोल्हापूर. मैं किसान का बच्चा हूँ, किसान भी हूँ. मेरे पास ये हमारे यहाँ भात बोलते हैं, सभी जगह धान बोलते हैं, उसके 20 सीड्स है, 20 जाति के सीड्स है. वे मैंने संवर्धित करे, पिछले 20 साल से मैं ये संवर्धित कर रहता हूँ. उसका पहला सीड्स है मेरे ख्याल से हावला. ये अर्ली हार्वेस्टिंग राइस है. घर इसका ये क्रॉप का ये लाइफ है 90 या 100 डेज का है. इसका ज़्यादातर वापर वो घरगुती इडली डोसा उसका हम अम्बोली बनाते हैं, पापड़ बनाने के लिए ज़्यादा ये ज़्यादा टेस्टी रहता है. दूसरा रहता है चंपा करी. ये सेंटर्ड राइस है. ये भी 90 या 100 दिन की वैरायटी है. ये सेंटर्ड राइस है, खाने के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है. जो टीबी के वो मरीज या मेरे ख्याल से जिनकी पाचन संस्था है उनके जहाँ हजम नहीं होता, ये पाचन के लिए हल्का रहता है. थर्ड वन तुलसी पत्र. ये तुलसी पत्र नाम इसका रखा है. तुलसी आपने कहा मतलब ब्लैक तुलसी मालूम हो गया, काली तुलस उसी का रंग रहता है. इसके सीड्स रहते हैं वाइट रहते हैं, लेकिन उसका आने वाला जो इसमें बीच में राइस सभी का राइस वाइट रहता है, लेकिन ऊपर का जो ये रहता है उसके लीव्स ये तुलसी के रहते हैं. उसका नाम इसीलिए तुलसी पत्र लिखा है. ये भी मेडिसिनल राइस है. नेक्स्ट दोड़गा. दोड़गा ये पुरानी जाता है हमारे कोल्हापुर जिले में. बड़ा राइस आता है बस. तो इसका ये 150 दिन लगते हैं बस. 4-4.5 फीट आता है. खाने के लिए ये भी अच्छा है. काला जीरा ये सबसे अच्छा है. सेंटेड राइस है. ये हमारे यहाँ में मिलता है. अभी सभी जातियाँ मुझे ढूंढने के लिए 20 साल लग गए. जब मेरा के जिधर गया जिस किसान का मुझे पता मिल गया उस पर गया, उसने बोला अभी नहीं है. बस एक दो दिन से मैं मुट्ठी में लगा दिया, हाथ रुमाल में पकड़ के मैं लेके आया और उसके बढ़ा दिया. अभी मेरे पास है भरपूर है इसका. ये 20-50 किलो भी लगा. हर एक शक्कर को मैं इतना ज़्यादा नहीं देता, बस ये मेरा ये है कि हर एक किलो आधा किलो देता हूँ, ऐसा ही देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, ताकि वो किसान अपने खेत में पैदा करे और लोगों को अच्छा लगे. लेकिन इसका थर्ड वन जोंधड़ा गिरगा. जोंधड़ा गिरगा नहीं, ये जवारा है. दूसरा बा काला होला तुलसी पत्र. ये जवार देशी वन है. ये सबसे पहले इसमें कठिनाई है मुझे आती है. इसका जो यील्ड आता है ए पर एकर इस पे 1215 के लिए कुलती है. अभी ये पोस्टर दिखाई कुलती, इसमें कुलती सोयाबीन की तरह है. सोयाबीन की प्रॉपर्टी है, उसमें कुलती की भी प्रॉपर्टी है. हमारे यहाँ लोकल वैरायटी है. अभी ये नामशेष हो रही है. मेरे ख्याल से कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी. ये मेरे पास है ये सीड्स. ये मिर्ची है हमारे यहाँ बोले बेड़गी मिर्ची. ये भी लोकल वैरायटी है हमारे. ये बाहर ये धान के जो सीड्स मुझे ये शतावरी है. शतावरी कंद बोलते थे मेडिसिनल है. जी मुझे जो ये धान की जो ये सीड्स मैंने इकट्ठा करके लिए, उसमें 20 साल लगे. उसमें कठिनाई बहुत आई, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा. जिधर भी पता मिलता है मैं वह जाके ढूंढ लेता हूँ और ले के आता हूँ. कितना भी मिले चाहे मुट्ठी में भी बैठा है, उतना ही लेके आता हूँ मैं और उसका संवर्धित कर लेता हूँ. अभी है मेरे पास 20 वैरायटी तो मेरे पास है देशी वन के. और इसका ये जे है चंपा कई, काला जिरगा, जोंधड़ा जिरगा और बासुमती. इनका जो सेंट रहता है और सुगंध, उसमें जो फर्टिलाइजर डाल दिए तो सभी सुगंध चला जाता है. उनको यूरिया इनके नाइट्रोजन डालना नहीं जाना है, सिर्फ सेंद्रीय खेती उसको बोलते करना चाहिए. एक बार तो मुझे थोड़ा सा भी लगा है उसको नाइट्रोजन यूरिया तो उसका पूरी टेस्ट बदल जाता है, सुगंध निकल जाता है. सिर्फ सेंद्रीय करना चाहिए, उसके लिए पेस्टिसाइड भी नहीं लगाना चाहिए. तुम्हें हो उसके ऊपर ज़्यादातर नहीं आती उसके ये इसलिए लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं. जब भी पड़ेगी तुम्हें तो दशपर्मियार और गोमूत्र का वापर करना चाहिए. बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं. और उसका जो क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन आता है उसी वक्त वो 12 या 15 क्विंटल आता है.
ये समझो किसान खेती करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन में उसके मन में चाहता है कि इतनी बड़ी 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 राशि होनी चाहिए, लेकिन इसकी बड़ी राशि नहीं होती, इसके लिए किसान इसकी ओर ध्यान नहीं रखता, उसके प्रॉपर्टी की ओर लेता, उसके ज़्यादा यील्ड चाहिए, इसीलिए लोग बोते नहीं है। लेकिन मैं इसका मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पटेल साहब।